जय तुलसी राम। नासिक से मैं किरण प्रकाश वातारे, हमारे साथ भोपाल से सौम्या पाल जुड़ी है, जो एनडीएस त्रिशूत्री रसार साधना बड़ी ईमानदारी और प्रामाणिकता से कर रही है। तो हम उनसे अपना अनुभव शेयर करने की विनती करते हैं, तो कृपया आप दर्शकों के लिए अपना अनुभव शेयर कीजिए। सर, मेरा नाम सौम्या पाल है, भोपाल से हूँ मैं। और मुझे ये रसाहार डाइट शुरू 3 साल, ये 4 साल हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट करते करते। अच्छा, मेरा स्टार्टिंग यहीं से था कि मेरा बेटा 1 साल का था, मुझे उस टाइम पे थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था, थायराइड बढ़ गया था, प्रॉब्लम आ गया था, बैक पेन हो गया था, वाइट डिस्चार्ज था, मेरे हेयर लॉस पूरे हो चुके थे। सर, हेयर लॉस मेरे हो चुके थे, लेकिन 15 दिन की जो स्टार्टिंग मेरी फर्स्ट जो रसाहार डाइट थी 15 दिन की, वो पंद्रह अच्छा दिन की यही हुआ है कि 8 दिन में मेरा वेट 10 किलो कम हुआ और अच्छा 15 दिन में मेरा जो थायराइड था वो बिल्कुल क्योर हो गया, पाइल्स अच्छा का क्योर हो गया है। अभी 3 साल से 4 साल से इन सब में से मुझे कोई बॉडी में कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा तो बाल रिग्रोथ हो गए पूरे, बहुत खुश हूँ, अच्छे लंबे हो गए हैं। अच्छा तो पूरे चले गए थे यहाँ से, एक्चुअल में डिलीवरी भी हो गया था, और डिलीवरी और कैसे का थायराइड की वजह से बाल पूरे झड़ गए थे मेरे। अच्छा तो हाँ आपने जब ये शुरुआत किया तो आपको ऐसा डरने लगा या आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ तकलीफ हो गई? तो क्योंकि ये तो सब कच्चा 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 कर रहे हैं और जी आदत तो सर, पका है खाने की है। हाँ। तो जब पापा जी ने मेरे को बताए थे कि सौम्या करो, मुझे घर में स्वीटी बोलते हैं सब लोग, तो सब पापा ने बोले बेटा स्वीटी आप इतना प्रॉब्लम में हो, आप कैसे अपने अपनी लाइफ कैसे चलाओगे, 28 29 इयर्स की हो आप, आपको ड्यूटी का सब आप ही को करना है। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ ड्यूटी करते हैं, बाकी पूरा मुझे ही हैंडल करना रहता है हर चीज, अच्छा तो करोगी? पर डर भी दिखा, फिर मुझे बोले कि देखो ये करके देखो, मेरी हिम्मत नहीं थी सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा फूडी हूँ, खाने को खाना बहुत पसंद है, अलग अलग चीजें फास्ट फूड बहुत पसंद था। तो फिर पापा के कहने पे पापा ने बोले स्टार्ट करो, एक दिन स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली सब होता चला जाएगा, नहीं होगा मैं प्रेशर नहीं करूंगा। फिर मैंने एक दिन, हस्बैंड बहुत चिल्लाए मुझे बहुत चिल्लाए कि सौम्या तुम पागल हो गई हो, छोटा सा बच्चा है अभी तुम्हारा 1 साल का, पीठ कैसे करेगा, उसको प्रॉपर दूध नहीं मिलेगा या ऐसा सब। लेकिन फिर मैंने कहा मुझे सिर्फ 15 दिन दे दीजिए, अगर 15 दिन में मेरे साथ कुछ भी परेशानी होती है, मैं लाइफ में कभी रसाहार डाइट नहीं की। फ्रेंड क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस आपका। से किया था कि मेरे, और दूसरी बात सर ये भी था कि मेरे पापा रामायण और ये सब बहुत पढ़ते हैं, मैं उनपे बहुत हाँ बिलीव करती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक हमेशा वो दोहा सुनाते रहते हैं मुझे कि मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिन विचरहि करहिं सुब जानी। बात का मेरा बहुत बिलीव था, मैंने कहा मेरे पापा ने बोले हैं, भले किसी ने बोला हो नहीं बोला, मेरे पापा ने बोले मेरे लिए शुभ ही होगा। तो उस चीज के लिए मेरे हस्बैंड को मैंने कन्विंस किया था, मैंने कहा आपके देखिए पापा ने, अच्छा तो हाँ आपके जी पापा ने हमारे वीडियो देखे थे। सर, मेरे पापा ने पूरा आपका वीडियो देखा, एक्चुअली वो भी परेशान थे क्योंकि मम्मी पापा इतने बीमार रहते थे ना, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, अच्छा बहुत घबराहट होती थी। पापा हार्ट पेशेंट थे, पापा को 2004 में अटैक आया था, डॉक्टर चीजें मना कर दी थी कि सीढ़ियां मत चढ़ना, साइकिल मत चलाना, या गाड़ी ज्यादा चलना नहीं, खाना स्टॉप कर दिया था, ये मत खाना वो मत खाना। और पापा उससे ज्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, दवाइयों से जितना उनको बीमारियां जितना भी परेशान नहीं करी, उससे ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। और मम्मी का भी था, मम्मी का यूट्रस का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, और मम्मी को अच्छा बहुत बहुत बीपी का प्रॉब्लम था, चक्कर आते थे, मम्मी का तो ऐसा था, और मम्मी का थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, पता नहीं चला हमको, लेकिन उनकी सांस अटक जाती थी हमेशा हमेशा। अच्छा एक बार आपके ही हुआ था बीच में, तो आप ही को कॉल की थी, तो आपने बोले थे 3 दिन का आप नींबू पानी कीजिए तो आपको आराम पड़ेगा। तो मेरी मम्मी को डेफिनेटली वही प्रॉब्लम मम्मी को 10 साल पहले हुई थी। तो मम्मी यही भोपाल में पारुल हॉस्पिटल है सर, वहां पे एडमिट थी, 3 दिन तक होश नहीं आया था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, और उसके बहुत ट्रीट। लेकिन आपका जो 3 दिन का आप वही प्रॉब्लम मम्मी को अभी हुआ था थोड़े 2 साल पहले, तो आपने जब बताया नींबू पानी दीजिए 3 दिन,
और एनिमल है, कुछ नहीं होगा। 3 दिन में मम्मी बिल्कुल खड़ी हो गई, घर का काम करने लगी। अरे वाह, मतलब एक टाइम था जब वो 6 बजे तक उठी भी नहीं थी बिस्तर से, और एक टाइम था 3 दिन में वो घर के काम शुरू कर दिए उन्होंने। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी आपको कोई भी दिक्कत, मतलब ये जो प्रॉब्लम है सारे आपको लगता है कि अभी सब रिलैक्स है, कोई तकलीफ नहीं है? अब तो सर मैं है ना बिल्कुल श्योरिटी से सबसे बोलती हूँ, मतलब जैसे मैं फ्रेंड सर्कल में मिलती हूँ या कहीं मिलती हूँ, मैं सबको सर बताती जरूर हूँ। आप मुझे, मैं उनको बोलती हूँ चाहे आप मुझे बिलीव करो या ना करो, मैं सिर्फ मैं बताती हूँ, मेरा काम करती हूँ। आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका घर भला होगा, और नहीं करेंगे तो मेरा, मैं अपनी तरफ से भगवान के कार्य में पूर्ण हो जाऊंगी, मतलब मेरा ये है। अभी मेरी एक फ्रेंड है सर, मैंने उनको बताया था एक्चुअली उसके बेटे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ मतलब पैदा हुआ है ना जब से, वो उसके कान सही है बट वो बोल नहीं पाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। तो अभी उन लोग ने ना 50,000 की मशीन लिया है, 50,000 की मशीन छोटी सी सर लगाया है लेकिन मतलब, और काउंसलिंग करते हैं बट उससे कोई असर नहीं हो रहा। मैं अभी 1 महीने पहले आई थी कि आप करो, तो उसने किया है। मतलब छोटा सा बच्चा है सर, 8 साल का है अभी, ज्यादा वो खा नहीं पाता, बच्चों को चुटर पुटर का लगा रहता है ना इसलिए। लेकिन उसका अभी मुझे कल ही फोन आया था, तो गई थी सौम्या, मतलब बहुत लिटिल, मतलब बहुत हल्का सा फर्क हमको दिख रहा है। हम बोलते हैं ना तो पता नहीं समझ जाता है, सुन लेता है, मतलब कुछ होता है तो उसको भी आराम लग रहा है सर, ऐसा है। तो मुझे तो सर, और मैं आगे भी मतलब लोगों को अब कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, कोई मुझे बोलता है ना वेट तुम बहुत फिट हो गई हो, मैंने कहा अब कभी मोटी भी नहीं होने वाली हूँ, बीमारी मेरे का बीमारी भी नहीं होगी, इसका टेंशन मत लो। आपका वजन कितना था तब जब स्टार्टिंग में बेटा हुआ था मेरा? तो बेटे डिलीवरी की वजह से, थायराइड की वजह से 75 kg वेट हो गया था मेरा। अच्छा, तो आपका एलएसआर से कितना हो गया फिर कम? अब सर मैं 47 की, 47 वेट है मेरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने तब मेरे सब वीडियो देखे थे, आपको लगा था कि ये सही बोल रहे हैं? सर मैंने पूरे वीडियोस देखे थे, इनफैक्ट आपका मतलब एक आपके मतलब आपका सेमिनार चल रहा था, उसमें एक लड़की थी, मैंने उसका देखा था, मतलब वो बोल रही थी कि मतलब 12 साल से, मतलब बचपन से वो शायद सर्वाइकल पेन से बहुत परेशान थी। अच्छा, उसका वीडियो देखा तो वो मुझे बताने लगी कि जब उसने शुरू किया तो मतलब बचपन से 12 साल उसने दर्द सहन करने के बाद 12 साल बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, और वो कहती है अब मुझे पकौड़े देख के लालच नहीं आता है। अच्छा, ज्यादा हुई थी, मैंने कहा यार मैं भी अब जरूर करूंगी अब, लेकिन मैं डगी हुई बिल्कुल, मैं वही करती हूँ। सर मैंने परचेज भी कर ली है, मेरे घर में ये भी है और आपका जो डाइट वाला है वो भी है। अच्छा, तो ये किताब को पढ़कर आपको कुछ मार्गदर्शन मिला, आपको लगा कि ये सही है किताब, लोगों के लिए सही है? सर ये किताब इतनी अच्छी है कि मेरा ये है कि अगर वो आपके वीडियोस ना देखे कोई भी नहीं, इसी को फॉलो करने किताब को ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब ये किताब बहुत परफेक्ट है, मतलब ये किताब में मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब ठीक है हम अपनी बॉडी को ठीक करते हैं, बीमारियां ठीक करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि हम उससे कहीं ना कहीं भगवान से जाके कनेक्ट होते हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात कही आपने, इसलिए सेवा सुमिरन का हमने ज्यादा महत्व समझाया है। सेवा सुमिरन का वही बात है कि आप भगवान से जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब उसमें जो आपने श्लोक्स डाले ना, जो श्लोक उसमें है वो सही में अगर वो ही फॉलो कर ले सब वो करके डाइट फॉलो कर ले तो आप तो अपनी बॉडी को ठीक करता है इंसान, और सबसे भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की नजर आप पे हो जाती है, वो सबसे बढ़िया काम है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी कमेंट दी किताब के बारे में, क्योंकि मैं किताब को ज्यादा लोगों की तरफ ये कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि ये ज्ञान लोगों तो पहुंचना चाहिए, भले आप हमसे कुछ नो लो या ना लो, वो तो भगवान देगा हमको जो देना है, पर ये किताब क्यों हम बोल रहे हैं कि इससे बहुत सारे लोगों को सही ज्ञान मिलेगा कि बिना पाउडर और बिना एक्सरसाइज बिना कुछ किए आप अगर रसार फॉलो करते हैं तो देखो कैसे फायदे होते हैं, है ना? तो यही सब हम लोगों को समझाना चाहते हैं। मैंने मेरे लिए जो किताब मंगवाई थी, मेरी किताब मेरी फैमिली में चल रही है सर, अभी चाची लेके गई थी, अब भैया लेके चले गए, मैंने उनको बोला है कि आप लोग को रखना है, रख लो, चाहिए है मैं और मंगवा दूंगी। जी जी जी, मुझे तकलीफ इतनी थी सर कि मुझे मतलब किसी भी कंडीशन में करना था उसको। अच्छा, मतलब 15 डेज तो मैंने किया बहुत प्रॉपर तरीके से, जब किया सर तो उसका फायदा ये हुआ, मैं आपको
मतलब स्टार्टिंग से बताऊं कि मेरा फाइल मतलब खत्म हो गया है, आज मुझे 3 साल से प्रॉब्लम नहीं है फाइल्स का। हाइलाइट मेरा 15 दिन ही पूरा मतलब क्योर हो गया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तभी 15 दिन मेरा थायराइड ठीक हो गया था, मेरा 47 वेट हो गया था 8 दिन में। मुझे सर वाइट डिस्चार्ज बहुत प्रॉब्लम था, वाइट डिस्चार्ज का उसके वजह से मेरी जो हड्डियां है ना बहुत पेन करती थी, बैक पेन होता था, सब वो सब आज सब क्योर है। अच्छा, तो आप अभी कितने साल से हमसे जुड़े हैं? सर अब मेरा ये 4th साल चल रहा है। अच्छा, 4 साल से जुड़े हैं। तो आपने जब शुरुआत किया तो आपको कोई ऐसी थकान या डर या कुछ ऐसा तकलीफ इस साधना से हुई, या आप पहले 2-4 दिन में फ्री होने लगी, रिलैक्स होने लगी? मेरे को तो रोना भी आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं। एक्चुअल में क्या था कि ना चीजें बहुत, मैं शादी के पहले इतनी वीक थी, मैं चल नहीं पाती थी, थक जाती थी, बीमार पड़ जाती थी। अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, मेंटली हो गई हूँ। थोड़ा सा मेरे इन-लॉज जब खत्म हुए थे, जब आपने मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, वो थोड़ा सा मेरे लिए एकदम से प्रेशर था। बाकी मैं मतलब मैं घबराहट बहुत कम हो गई है। और कोरोना के समय पे आपने मुझे फोन किया था तब आप बहुत डरी हुई थी, वही समय ना? हाँ, पर वो तो आप स्ट्रांग हो गई, पर उसके बाद आपने ये रसार से सब हैंडल कर लिया। सर मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जितना काम अब कर ले रही हूँ ना, मैं इतना काम उस एज में नहीं करती थी 20-25 साल की जब थी। अच्छा, अब इतना अच्छा। बहुत ज्यादा हो गया, मतलब स्ट्रांग बहुत हो गई हूँ, अंदर से भी बाहर से भी मेंटली भी हर तरीके से। अच्छा, तो आपने टोटल जूस पे रहे, आप रसाहार किया, तो आपने इसमें कोई पाउडर वगैरह हमने कुछ आपको दिया था क्या? आपको कुछ ऐसा कोई पाउडर वगैरह लेने को कहा था क्या? कुछ भी नहीं सर, बस वेजिटेबल्स फ्रूट्स। सही बात है, तो ये जो नेचुरल है, ये जो फायदा देते हैं, वो पाउडर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि जितना नेचुरल, क्योंकि ये सिस्टम नेचुरल है, तो ये नेचुरल जो है, तो ये पाउडर नेचुरल है क्या? ये तो इंसान ने बनाई है, तो इसके पीछे ड्राई है, तो क्यों ड्राई के पीछे पड़ते हो? आपको ड्राई होना है, नहीं होना है, आपको मजबूत होना है। तो आपने सब किया, तो आपने एनिमा कितने बार किया दिन में उस समय? जब सर 15 डेज का करती हूँ तो मैं 2 टाइम का करती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में, मतलब रात में 1 बार 10 बजे हो जाता है। और जब जो मैं नींबू पानी अगर 3 दिन का लेती हूँ तो मैं दिन में 3 बार करती हूँ, जैसे आपने बताया जी। बराबर, तो अब आपका वजन कितना कम हुआ, कितना कम हुआ था सर? मतलब फर्स्ट टाइम रसाहार किया था तब मेरा 8 दिन में 10 किलो वेट कम हो चुका था, और मेरा पहले जो वेट था वो 75 kg हो गया था मेरे डिलीवरी के बाद, और थायराइड की वजह से 75 kg हो गया था मेरा। फिर जब मैंने रसाहार किया तो 8 दिन में 10 किलो वेट कम हो गया था, फिर 15 दिन में मैं 47 पे आ गई थी। अच्छा, इतना सारा कम हो गया था, मतलब पहले 15 दिन में बहुत वजन कम हो गया आपका। बहुत, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि कंडीशंस मेरे घर की ये थी कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ और मेरे हस्बैंड को एक एक ग्लास पानी उनके हाथ में चाहिए। मेरा डर अच्छा। ये और मेरा ये भी था कि मैं 29 साल की उम्र में ही मुझे थायराइड हो गया है। और सर मेरी मम्मी की शादी 19 साल में हुई थी, और 19 साल से सर आज की डेट में वो 55 ईयर्स की हो रही है, अभी तो 55 है, लेकिन 53 ईयर्स तक वो इतनी बीमार रही है सर, इतनी बीमार रही है का तो मैं आपको अंदाजा भी नहीं दे सकती। अरे पाप, मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन बहुत मतलब अभी 3-4 साल से उन्होंने भी शुरू किया, मुझे भी शुरू करवाया। मेरे पापा बोलते हैं अब ऐसा लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तो आपको भी? मेरी मम्मी की बहुत क्रिटिकल थी एक्चुअल में, उनका ना 20 साल की 25 साल की उम्र में यूट्रस निकाल दिया गया था, क्योंकि यूट्रस में कैंसर हो गया था मम्मी को। अच्छा, स्टेज पे था सर, करना नहीं था, क्योंकि उनको मतलब ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी थी मम्मी को, वो हमको 25 साल को हमें करवाना ही पड़ा था। और अभी जाके सर 4 साल से मेरी मम्मी तो इतनी स्ट्रांग हो गई सर, दिन भर चलती है, और 3rd फ्लोर पे घर है, दिन भर चलती है, 10 बार उधर से चढ़ती है, लेकिन इतनी फिट है कि आपको बता नहीं सकती। अच्छा, तो ये रसाहार कर रही है, आपने उनको भी करवाया रसाहार? हाँ, उन्हीं लोग ने शुरू किया, उन लोग ने मुझे बोला आप करो।
रेडी नहीं हो रही थी, मेरे को लगा था भूख लगेगी कैसे करूंगी, फिर पापा ने आपके वीडियोस बहुत सेंड किए थे, बोले एक बार देखो फिर स्टार्ट करो। अच्छा, तो आपको विश्वास हो गया कि चलो हम करते हैं, करके देखते हैं? मैं कंटिन्यू हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी मेरे घर में सुबह एक बार पालक का जूस हो चुका है, नारियल का दूध है, मतलब डेली का ही है, खाना सिर्फ शाम को लेते हैं। आपको अभी 2-4 साल से थायराइड की दवा नहीं है, अभी हाथ पैर जो दर्द कर रहे हो, जो आपको दर्द होता ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से मेंटली स्टेबल नहीं थी, मतलब बहुत डर नहीं रहता सर, मतलब जो इंसान डरता रहता है तो घबराहट के मारे तबीयत खराब हो जाती है, मेरी कंडीशन वो थी, लेकिन अब इतने मतलब अब नहीं लगता है सर, अब तो मैं बिल्कुल स्ट्रांग हो गई हूँ। थोड़ा बहुत अभी जैसे मेडिटेशन आपने बताया था कि ध्यान जरूर लगाया करो, मैं मॉर्निंग में मतलब मेरा ध्यान, अब पहले ध्यान 15 मिनट का लगता था, अब 30 हो गया है, अब 45-40 मिनट का लग जाता है इजीली। अच्छा, बहुत अच्छा, आपका लड़का भी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र इतना बढ़िया गाता है कि मैं लोगों को बताऊं कि इतना छोटा बच्चा पर इतना सुंदर संस्कृत श्लोक गाता है कि मैंने ये आपने जो मुझे भेजा था मैंने सभी ग्रुप में फॉरवर्ड भी किया था, बहुत सुंदर गाता है, तो वो भी ये जूस पीता होगा। सर मेरा बेटा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, वो विथ नेम आपको जानता है, और यहाँ आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरे कहने की बात नहीं, मैं तो खुद उसकी मदर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, अगर उसको बुखार आता है ना सर, वो दवाई लेता ही नहीं है, लिटरली वो दवाई लेता है। अभी क्या हुआ था कि बारात में बहुत एग्जर्शन हो गया था, तो रात में उसको बुखार आ गया, मैंने बोली इमरजेंसी वाली बात थी सर, मैं कैसे जूस वूस कैसे प्रोवाइड करती तुरंत, तो मैंने उसको कहा बेटा पैसीमोल है आप ले लीजिए, फीवर उतर जाएगा, 4.5 साल का है, तो बोलता मम्मी नहीं मुझे पालक का जूस बना के दीजिए आप, मैं पालक के जूस पीऊंगा। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा ऐसा, अरे वाह कितनी बढ़िया बात, चलिए मतलब लगेगा कि 4.5 साल का इतनी बातें करता है, लेकिन उसने नाना जी को जबरदस्ती मैं बोला मुझे नहीं पीना है, तो पापा वहां जाके तुरंत पालक लेके आए, उसको पालक का जूस बना के दिए, फिर उसकी इच्छा थी कि मैं ऑरेंज जूस पीऊंगा कि वो नींबू बोलता है, तो मैंने बोला बेटा सिट्रस फ्रूट रहते हैं जिससे ना प्रॉब्लम हट जाती है, तो वो दिमाग में उसके बैठा हुआ, तो वो फिर उसने संतरे मंगवाया पापा से, और उसने वो सारा दिन सर खाना नहीं खाया है, खुद की मर्जी से, हमारा कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा, मैं गेस्ट है, मेरी मौसी मुझे चिल्ला रही थी तू 4 साल के बच्चे को तो रख रही, मैंने कहा उसकी इच्छा है, मैंने कहा रहने दो, नेचुरल चीज है, भगवान से जुड़ा रहेगा, सब चीज से जुड़ा रहेगा, आखिर सर एक का फीवर उतर गया और अभी तक चढ़ा नहीं है। क्या बात है, मतलब कितना हिम्मत रखी आपने, नहीं तो लोग कितना डर जाते हैं कि छोटा बच्चा है बीमार हो गया तो चलो तुरंत अस्पताल लेके, तो आप ये रसार से इतना स्ट्रांग हो गए कि अब आपको पता चल गया कि ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी बीमारी है। बहुत बढ़िया, अब 2 साल हो गया है कोरोना में हम निकले नहीं है, 2 साल में मेरे घर में मेरा और मेरे बेटे का, हम लोग वायरल होता है ना, मैं जूस से ही ठीक करती हूँ, उनको जूस ही देती हूँ 3 दिन कंटिन्यू। अरे वाह, बिल्कुल इसमें मेडिसिन का नाम ही नहीं है, बिल्कुल नाम नहीं मेडिसिन का। तो उसको भी एनिमा करवाते हैं आप? सर वही है, थोड़ा सा बेटे का है कि अभी 4.5 साल का है, मतलब अभी करवाना ठीक है नहीं ठीक है इसलिए अभी नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ 7 साल का हो जाए थोड़ा बहुत तो फिर शुरू कर देंगे। हम अपना रखें उसमें डरने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, कर सकते हैं आप। तो अब आपको कोई भी दवा नहीं है, इस 4 साल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तो आप पूरा खुश है रसार से? सर बहुत खुश हूँ मैं, आगे मतलब आप करनी मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बोल रही हूँ, जैसे हम लोग है ना सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं, तो मेरी बहुत इच्छा है कि अब मेरा बेबी मतलब पेट में ही रहेगा, तो मैं उसको मतलब जो संस्कार एक संस्कृति अपने हिंदू धर्म की है हर चीज, मैं मतलब उसको पेट में देना चाहती हूँ कि मतलब मैं ध्यान लगाऊंगी, मैं जूस ही पीऊंगी। अभी हम लोग मतलब हम लोग का ये था कि मेरा बेटा 6 महीने का हुआ था तब मुझे रसाहार का मतलब आइडिया नहीं था, नहीं तो हमारा ये प्लान हमको ये पहले मिलता तो मैं बेटे का अन्न प्राशन जूसेस से ही करवाती। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बात कहा आपने, तो बहुत खुश हो गया हमें और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना दिल से और पूरा समर्पित भाव से साधना तो कर रहे हैं और उतना अनुभव बताया भी, तो बहुत खुशी की बात है। तो आप दर्शकों के लिए कुछ रसाहार के बारे में
कुछ सलाह देना चाहती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती है तो दो शब्द दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगी। मैं बोलने में तो इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर कोई परेशान है तो जरूर कीजिए, मतलब मिलेगा सर। मतलब मैं इतनी परेशान थी, मेरी पूरी फैमिली में जब से बचपन से मैंने शुरू किया है ना, मेरे माँ बाप को सिर्फ बीमार देखा है और मैं कंडीशन से गुजरी हूँ। हम बिल्कुल ठीक है, सब नेचुरल फूड से आ जाए, मतलब नेचुरल फूड से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत लोगों को आपने हिम्मत दी है, तो सही में आपने बहुत बढ़िया अनुभव शेयर किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सर मैं भूल गई बताना, मैं आपको एक और मिरेकल वाली चीज बता रही हूँ, मतलब मेरे लिए मिरेकल ही था सर। क्या हुआ था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने वाला था, बट डॉक्टर ने मेरे थोड़ा सा चीट कर लिया, मतलब रहता है, मतलब बच्चों का दूध पहले ही आ जाता है नॉर्मल डिलीवरी में, और मेरा ऐसा था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि 2 दिन तक, मतलब सीजर हुआ है तो 2 दिन बाद आपको दूध आएगा, बच्चे को आप अभी नहीं पिला। तो मैं नहीं पिलाया था और मेरे को दूध तुरंत आया था, लेकिन क्या हुआ उस टाइम से बच्चे के मुंह में इंजेक्शन से दूध डाल दिया गया था ना, तो सर उसने 1 महीना मेरा दूध नहीं पिया है। अरे बाप रे। और सर 1 महीना दूध नहीं पीने का रीजन ये था कि मेरे को दूध भरपूर था लेकिन मेरे बेटे ने पिया नहीं, तो धीरे धीरे सूखता चला गया था। अच्छा, शुरू कर दिया ना, तब तक कंडीशन ये हो गई थी कि मेरा दूध सूख गया था सर। अच्छा, आप समझ ही सकते हैं, बच्चा अभी 1 ही महीने का है, उसने पिया ही नहीं है, अब उसको हम कितना पाउड पैकेट का दूध कितना पिलाएंगे, 2-2 घंटे। जूस से मेरा ये फायदा हुआ, मेरे पापा मुझे देते थे पालक का जूस देते थे, तब मैंने शुरू तो 8-9 महीने बाद किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं लेती थी ना उससे दूध मेरा थोड़ा बढ़ा था। लेकिन जब मैंने प्रॉपर से 15 दिन का जो पहली बार किया था ना सर, मेरा इतना दूध भरपूर होने लगा था, मतलब वेस्ट ज्यादा था उसके पीने के बाद भी सर, मतलब ये एक मिरेकल था मेरे लिए कि जो दूध मेरा सूख चुका था सर वो रसाहार शुरू पूरा भरपूर मेरे पूरा। सही में बहुत बहुत ही बढ़िया अनुभव है ये, और जो महिलाओं का दूध का प्रॉब्लम आता है उनके लिए आपका यह अनुभव बहुत फायदेमंद रहेगा। मैंने खाना एक बाइट का भी खाना मैंने नहीं लिया था दोनों टाइम का, जूस भरपूर रहती थी, मैं 3 गिलास पालक का जूस पीती थी 12 बजे के बाद, और मैं कम से कम 4 गिलास या 5 गिलास में फल का जूस पीती थी, और शाम को फिर 2 गिलास, क्योंकि वो रूट का जो जूस था ना वो 2 गिलास पीती थी शाम को, और रात में फिर पालक का जूस लेती थी। ये मेरा रूटीन था 15 दिन का, वही 15 दिन में मेरे बेटे को भरपूर दूध हो गया था, और पूरा 3 साल मतलब अच्छे भरपूर दूध पिया है यही रसाहार की वजह से। अरे भाई बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और बहुत ही प्रेरणादायी आपने अनुभव शेयर किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और आपने जो अनुभव दिल से दिया है तो बहुत सारे लोगों को ये फायदा होने वाली बात है, विशेषता महिलाओं को, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बढ़िया अनुभव। आपके वजह से मेरी फैमिली आज पूरी इतनी स्ट्रांग है, मेरे मम्मी पापा 56 साल की उम्र में सर ऐसे मतलब ऐसा फील करते हैं कि हम अभी जवान है, मेरे पापा बोलते हैं जैसे मैं अभी लड़का हूँ, मम्मी बोलती है मेरी। मैं सर बहुत डरपोक टाइप की थी, मैं मेंटली फिजिकली सब स्ट्रांग बनी हूँ आप ही की वजह से, आपके वीडियोस देख के पूरा रसाहार डाइट किया मैंने, और अभी हम लोग पूरी फैमिली अभी, और मेरा बेटा सर आपको पता ही है 1 साल से ही जो हुआ है, मतलब वो पूरा हम नेचुरल फूड पे ही कर दिया है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो आपने ये बहुत अच्छा अनुभव दिया है, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ रुक जाता हूँ। जय तुलसीराम, जय तुलसीराम।